हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट राहुल और आज के वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे जर्मनी वर्सेस यूक्रेन इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली। तो चलिए प्रीव्यू शुरू करते हैं, नजर डालते हैं इन दोनों टीम्स की फीफा रैंकिंग पे। दोस्तों ये है एक इंटरनेशनल फ्रेंडली और जर्मनी है 14 पोजीशन पे, यूक्रेन है 30th पोजीशन पे। और गौर करने की बात यह है कि यूक्रेन के लिए वार्म अप हो सकता है फॉर द अपकमिंग यूरो क्वालिफायर्स, पर जर्मनी एज होस्ट ऑफ यूरो 2024 नेक्स्ट ईयर का यूरो होगा जर्मनी में, तो जर्मनी ऑलरेडी क्वालिफाइड है। यह मैच उनके लिए एक प्रॉपर फ्रेंडली है जहां पे मैनेजर हैंसी फ्लिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने लाइनअप्स के साथ, अपने फॉर्मेशंस के साथ। तो ये मैच अगर मैं फैंटेसी इन्वेस्टमेंट से बात करूं काफी ट्रिकी होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा क्योंकि प्लेयर्स जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। हाफ टाइम पे आप 5-5 सब्स्टिट्यूशंस दे सकते हो, तो क्लीन शीट के पॉइंट शायद ना मिले फॉर डिफेंडर्स, अटैकर शायद जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाए, इसीलिए ये मैच में लाइनअप्स प्रेडिक्ट करनी थोड़ी ट्रिकी है एंड डेफिनेटली फैंटेसी इन्वेस्टमेंट इसमें कम रखिएगा। तो चलिए हम नजर डालते हैं पहले लाइनअप्स पे दोनों टीम्स के, स्टार्ट करेंगे द होम टीम एंड द होस्ट ऑफ यूरो 2024 जर्मनी। दोस्तों जर्मनी हमारे हिसाब से लाइनअप करेगी इंटरेस्टिंग 3-4-1-2 फॉर्मेशन में। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो दो विंग बैक्स इस लाइनअप में, वुल्फ एज वेल एज डेविड रॉम, दोनों बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है और इस मैच में फैंटेसी वाइज आपके लिए अच्छे पिक्स बन सकते हैं। निकलस फुलक्रूग जो ब्रेमेन में खेलते हैं और ये मैच ब्रेमेन में होगा, तो होम सपोर्ट उन्हें मिल सकता है, काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एलीट गोल स्कोरर है, अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। काई हैवर्ट्स द चेल्सी फ्लॉप, जिसे आप बोल सकते हो कि उनका सीजन इतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ लीग फॉर्म फॉर चेल्सी, बट जर्मनी के लिए काफी अच्छे खेलते, तो हैवर्ट्स आपके लिए गोल स्कोरिंग ऑप्शन अच्छे बन सकते हैं। फ्लोरियन वर्ड्स का रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है फॉर इज लोकल साइड और जर्मनी के लिए वो ट्राई करेंगे वो फॉर्म रेप्लीकेट करने को। वर्ड्स एक अटैकिंग मिडफील्डर है, स्पेसेस में खेलते हैं, हाफ स्पेसेस जिसे हम कहते हैं, गोल्स और असिस्ट दोनों का आपको पोटेंशियल देते हैं। मिडफील्ड की बात करें तो जॉश किमिच नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सेफेस्ट फैंटेसी ऑप्शन देयर इज गोइंग अराउंड, आपको हर तरह से पॉइंट कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। एंड एमरे चैन का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है फॉर इस क्लब साइड, आगे आते हैं बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड रोल खेलते हैं, तो आपको गोल्स और असिस्ट का पोटेंशियल मिल जाता है कैन से भी। डिफेंस की बात करें तो स्टैंड आउट पिक इन द बैक थ्री बिकम्स क्लॉस्टरमैन, तीनों आपको डिफेंडर्स अच्छा खासा पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं और एंटोनियो रूडिगर जो आपको सेट पीस थ्रेट देता है उनसे आप गोल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। गोलकीपर रहेंगे इस मैच में ट्रैप, जो आपके लिए डिसेंट पोटेंशियल रहेगा सेव पॉइंट्स का, बट हमें लगता है जो यूक्रेन के गोलकीपर है वो बेटर ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन के प्रोबेबल लाइनअप की। दोस्तों यूक्रेन की लाइनअप की बात करें तो क्लासिक एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में लाइनअप करेंगे। आर्सेनल के अलेक्जेंडर ज़िनचेंको इंजर्ड है, नहीं तो यूक्रेन के लिए हमेशा स्टार्ट करते, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट उनके एब्सेंस में भी काफी डिसेंट ऑप्शन है यूक्रेन के, हालांकि उनका रीसेंट रिकॉर्ड इन फ्रेंडलीज और इन कंपेटिटिव मैचेस अगेंस्ट जर्मनी अच्छा नहीं है। स्टैंड आउट पिक बन जाएंगे मिखाइलो मुद्रिक द चेल्सी फ्लॉप अगेन, उनका समर ट्रांसफर जो चेल्सी में हुआ था उसके बाद से ही इज नॉट येट सेटल टू द लीग, कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया था उन्होंने प्रीमियर लीग में फॉर चेल्सी, बट यूक्रेन के लिए इज ए डिफरेंट बीस्ट, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, इंटरनेशनल स्टेज पे ट्राई करेंगे अपनी पोटेंशियल दिखाने को। उनके साथ खेलेंगे फ्री रोल में मालिनोव्स्की, रुस्लान मालिनोव्स्की काफी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ये भी आपके लिए क्रिएटिव ऑप्शन है, आप इन्हें असिस्ट पोटेंशियल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उनके जस्ट पीछे खेलते स्टेपनेंको जो हमें काफी पसंद है, ऑलराउंड आपको पॉइंट्स पोटेंशियल देते हैं सिमिलर टू किमिच फॉर जर्मनी, आपको थोड़ा सा गोल थ्रेड मिलता है बट टैकलिंग इंटरसेप्शन पासिंग से बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। सिडोरचुक भी अगेन एक डिफेंसिव मिडफील्डर ऑप्शन है यूक्रेन से जो आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं, आप डिफेंसिव मिडफील्डर ऐसे टाइप ऑफ मैच में जहाँ पे जर्मनी डोमिनेट करेगी आप बहुत सारे टैकल्स और इंटरसेप्शन स्पेशली इंटरसेप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिगानकोव जिरोना के लिए खेलते हैं, इनका रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, आप इनसे क्रिएटिवली गोल्स और असिस्ट के पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस की बात करें तो स्टैंड आउट को ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बट कोनो प्लेयर काफी अच्छे लगते हैं फॉर इस डिफेंसिव वर्क रेट एज वेल एज टैकलिंग और इंटरसेप्शन नंबर्स, और गोलकीपर ट्रूबिन ये मैच में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेंगे। ये मैच हो रहा है जर्मनी में, जर्मनी लाइक टू अटैक, दे लाइक टू डोमिनेट, पोजेशन रखती है और बहुत सारे शॉट्स देते हैं, ट्रूबिन जैसे गोलकीपर आपके लिए इस मैच में बहुत अच्छे फैंटेसी ऑप्शन बन सकते हैं सेव वाइज। चलिए अब देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर जर्मनी वर्सेस यूक्रेन। दोस्तों ये मैच में फैंटेसी वाइज कॉम्बिनेशन थोड़ी ट्रिकी है बिकॉज कितने प्लेयर कितने मिनट खेलेंगे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी आर गोइंग फॉर जॉश किमिच एज अ कैप्टन, वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले मोस्ट ऑफ द मिनट्स, एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, एक्सप्लोजिव नहीं है, सेफ रहेंगे बट ऑनेस्ट डे गोल असिस्ट पोटेंशियल आपको देते हैं, साथ साथ पासिंग चांसेस क्रिएटेड टैकलिंग के सबके पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। हमने वाइस कैप्टन किया फुलक्रूग, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, हमें लगता है कि अगर जर्मनी स्कोर करेगी फुलक्रूग बीइंग द टैलिस्मैन करेंटली गोल्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वी ऑल्सो गॉन फॉर हैवर्ड्स और फ्लोरियन वर्ड्स, फुल अटैक हमने लिया है जर्मनी से, फ्लोरियन वर्ड्स हैज अ पॉइंट टू प्रूव, बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर है, बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है, नंबर 10 रोल से आपको गोल्स और असिस्ट का पोटेंशियल दे सकते हैं। काई हैवर्ट्स प्लेयर की क्वालिटी पे डाउट नहीं है बट रीसेंट फॉर्म स्पेशली एट चेल्सी खराब था, बट जर्मनी के लिए वो आके कुछ कमाल कर सकते हैं। मिडफील्ड में बात करूं तो वी गॉन फॉर सिगानकोव, मालिनोव्स्की एज वेल एज मुद्रिक, सिगानकोव आपको राइट विंग से अच्छा ऑप्शन देते हैं गोल्स और असिस्ट का, मालिनोव्स्की आपको
क्रिएटिव पॉइंट दे सकते हैं नंबर 10 पोजीशन से, फ्री रोल खेलते हैं तो उधर भी आप गोल्स और असिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मिकाइलो मुद्रिक लेफ्ट विंग पे यूक्रेन के सबसे बड़े थ्रेट होंगे। डिफेंस की बात करो तो वी हैव गॉन फॉर द थ्री मैन जर्मन डिफेंस ऑफ रूडिगर, क्लॉस्टरमैन एंड रॉम, तीनों आपको अच्छे खासे पासिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। डेविड रॉम आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अगर वो 55 मिनट्स के ऊपर खेले तो क्लीन शीट के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे अगर क्लीन शीट रखती है, बट अटैकिंग वाइज आपको असिस्ट पोटेंशियल और चांसेस क्रिएटेड से अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। आप रॉम को एक वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी देख सकते हो। मिडफील्ड में अगर आपको हैवर्ट्स या वर्ड्स में से किसी को ड्रॉप करके वुल्फ को लेना है, वुल्फ भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। लास्ट पिक इन दिस कॉम्बिनेशन इज ट्रूबिन जो है यूक्रेन के गोलकीपर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जर्मनी बहुत सारे शॉट्स लेगी, डोमिनेट करेगी और ट्रूबिन ये मैच में अच्छे सेव पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। दिस वॉज द प्रीव्यू फॉर जर्मनी वर्सेस यूक्रेन। उम्मीद करता हूँ इस प्रीव्यू ने आपकी मदद की होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चीयर्स।